भुवनेश्वर में विकास आप देख जस्टिस टीवी इंडिया और मैं मौजूद हूँ पूरे शिवपुरी में। तमाम आप देख रहे हैं यहाँ पर ये बीमारी की पूरी टीम आई यहाँ पर आई हुई है, पूरा भीड़ आप देख सकते हैं जिस तरीके से तमाम लोग मौजूद है यहाँ पर और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उस मासूम बच्ची के लिए। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है और विरोध सिर्फ उसी बात का हो रहा है की उस मासूम बच्ची जो 13 साल की बच्ची थी और अविनाश जिसको लाठियों से पीट कर मार दिया गया था, उसी का विरोध प्रदर्शन यहाँ पर भीम आर्मी के तमाम कार्यकर्ता कर रहे हैं और हिमांशु वाल्मीकि जी भी आए हुए हैं, गैरवा जी भी आए, तमाम लोग आए हुए हैं, पब्लिक यहाँ पर मौजूद है। क्या कहेंगे सर आज के लिए, क्या कहेंगे आप इन लोगों जी अपने पर जितना दबाव डाल रहे हैं इनको सर वो प्रतीक होने चाहिए, हम आपके साथ में तन मन से देने के तैयार हैं। ये गुस्सा है, ये पब्लिक है ये और ये पब्लिक है सब जानती है और गुस्सा है ये लोगों के बीच में। फिर से तमाम लोग हैं यहाँ पर, ऐसे क्या कहेंगे जो हत्याकांड हुआ है यहाँ पर, क्या कहेंगे इसके लिए आप? बीजेपी सरकार की सोची समझी रणनीति है, ये दलितों का हनन होना करती है, ये दलित विरोधी सरकार नहीं चलेगी। अभी तो हमने ये ठेले दिखाया है और आगे वाली सरकार आगे तारीख में फाइनल करेंगे हम। अगर इन दोषियों को फांसी सजा नहीं सुनाई गई तो पूरा सीपी नहीं पूरा दिल्ली बंद करेंगे हम, ये हवाई दिल्ली तक पहुंचेगी। तो तमाम लोग हैं और गुस्सा है, रोष प्रदर्शन है, क्या कहेंगे सर आज? सबसे पहले सभी साथी क्रांतिकारी जय भीम। साथियों आज जो घटना हुई है बहुत ही दर्दनाक घटना है, हमारे सीपी जिले की भावखेड़ी गांव में घटना हुई है और अगर हमारे जो बच्चों को न्याय नहीं मिला, अभी जो हमारे टेलर है और हम फिल्म दिखा देंगे, हमारे बच्चों को न्याय नहीं मिला। लोगों का स्पष्ट विरोध है कि टेलर है ये, फिल्म पूरी आप दिखाएंगे और ये देख लीजिए तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है। कुछ और लोगों से बात करते हैं यहाँ पर, जी स्पीच चल रही है यहाँ पर, देखिए सात दिवस के अंदर चालान पेश करना प्रशासन की मजबूरी हो जाएगी। ये देखिए आप यहाँ पर स्पीच चल रही है और ये तमाम लोग हैं, पूरी भीड़ आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये भीम आर्मी की भीड़ है यहाँ पर और ये जो भीड़ आई हुई है हिमांशु वाल्मीकि जी जो दिल्ली के हैं प्रभारी है उनके लिए यहाँ पर ये तमाम लोग आए हुए हैं और दलित समाज दलितों के दलित दल में दबा हुआ वाल्मीकि समाज उस पर जो अत्याचार यहाँ सीपी के अंदर हुए हैं ऐसा अत्याचार करने का कोई मानस भी नहीं बना सके। अपराधियों को फांसी की सजा अनिवार्य रूप से होना चाहिए, उसके लिए हमको जिस तरीके से तो भीड़ आप देख सकते हैं यहाँ पर और ऋषभ जी की, ऋषभ जी क्या कहेंगे आज के लिए? ये बताना चाहूंगा कि ये जो घटना हुई है इतनी निर्मम घटना है जिसके तहत पूरे देश में रोष है और भीम आर्मी के लोग और सामाजिक जितने भी लोग हैं इस घटना से उकसाए हुए हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे भीड़ किस प्रकार मौजूद है और ये यहाँ पे प्रशासन की पोल खोलती है कि उन बच्चों के साथ किस प्रकार से दुर्व्यवहार किया जा रहा है। यहाँ पर बच्ची के साथ छेड़खानी की घटना हुई और उसी घटना को सोच की घटना बता करके प्रशासन दबाने की कोशिश कर रहा है। इस प्रकार से कहाँ देश का विकास होगा? मोदी जी कहते हैं बालिकाओं का विकास, मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ बचा रहे हैं बेटी, कहाँ बचा रहे हैं, कहाँ दिख रहा है बेटी बच रही है? यहाँ पे गाँव में सोच के नाम पे लड़की से छेड़खानी हो रही है, समाज को दबाया जा रहा है यहाँ पर और हमारे लोगों को यहाँ पर एकत्रित होकर बोलने की आवश्यकता है और ये आंदोलन यहाँ पर रुकेगा नहीं। मोदी जी आंदोलन दिल्ली तक चलेगा, हम दिल्ली तक धरना प्रदर्शन देंगे और शहर और जवाब चक्का जाम करनी पड़ेगी और एक बार फिर भारत बंद करना पड़ेगा। मोदी जी हमारा आपसे नम्र निवेदन है कि हमारे देश में अगर फांसी नहीं हुई तो ये मामला सारे देश को शर्मसार करने का है। मोदी जी निवेदन है कि फांसी की सजा सुनाई जाए, इनको बॉस को एक्ट लगाया जाए। मोदी जी मैं निवेदन करता हूँ आपसे, डिमांड है लोगों की फांसी की, दोषियों को फांसी की सजा सुनाई जाए। एक नाम वाले बालक और बालिका की निर्मम इन दमन लोगों ने अपनी दमंगी का परिचय दिया है मगर इस गरीब परिवार को साथ में न्यायालय से भी न्यायपालिका से भी अनुरोध करता हूँ कि इनको फांसी की सजा बहाल किया जाए और जल्दी से जल्दी फैसला किया जाए। ऐसा नहीं होगा बाल्मीकि समाज या अन्य समाज इसमें दूसरे रूप धारण कर रहे, इसलिए मैं चाहता हूँ क्या आप सरकार को अवगत कराना चाहते हैं कि हमारे बाल्मीकि समाज में बहुत ज्यादा दुख है और मोदी जी जो बालिकाओं को पढ़ाने की बात करते हैं तो पढ़ाने लिखाने के नाम पर सिर्फ अपनी सत्ता को संभालने की कोशिश की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे बाल्मीकि समाज का संघ ऐसा होता रहता है, ऐसे
करना जो रोक देना चाहिए और मोदी जी को एक नया आदेश निकाल के इनके ऊपर अंकुश लगाना चाहिए। मैं चाहता हूँ साथ न्याय करोगे बाल लोगों के साथ दलितों के साथ। आज जो हो रहा है सांसद आपके नेता ये अत्याचार कर रहे हैं, आप देखें इसको सुने और तत्काल कार्रवाई करें। 15 दिन के फांसी दिलवाए तो आप क्या कृपा होगी अच्छे अच्छे प्रधानमंत्री। अगर इस देश के बनना चाहते हो तो हम जब मारेंगे कि आप वास्तव में कुछ करते हो देश के लिए। ये फालतू हवाइयां करने से कोई मतलब नहीं है, तभी इतना दुखी है। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब।